किसानों के लिए बड़ी योजना शुरू करेगी योगी सरकार। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है योगी सरकार की तरफ से, किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा, 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा। योजना का लाभ किसानों पर केंद्रित सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी योजना। दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजे की व्यवस्था होगी। दिव्यांग होने पर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक की सहायता की व्यवस्था। वहीं सीएम कृषक कल्याण योजना जल्द होने की उम्मीद है। योजना को कैबिनेट से जल्द मंजूरी दिलाने की गवाहत में लगातार योगी सरकार, तो योजना को कैबिनेट से जल्द मंजूरी दिलाने की तैयारी। तो किसानों के लिए बड़ी योजना की शुरुआत जो है वो की जाएगी, जिससे सीधे 4 करोड़ किसानों को इससे फायदा पहुंचेगा और जल्द ही किसानों के लिए इस योजना को अमलीजामा पहनाए जाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी में एक बड़ा तोहफा इस योजना के माध्यम से किसानों को सरकार की तरफ से। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है और जो प्रस्ताव में शामिल किए गए हैं, जो नियमावली में छूट दी गई है और तमाम डॉक्यूमेंट को जो पूरा करना पड़ता था किसानों को, वो पूरा नहीं करना पड़ेगा, इसको देखते हुए काफी सहूलियत दी गई है। ये किसान कृषि बीमा योजना थी जो पहले से ही चल रही थी, जिसमें किसानों को 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने जब इसकी समीक्षा की थी, बहुत सारी खामियां आई, जिसमें मृतक किसानों को ये सहायता राशि यानी बीमा राशि नहीं मिल पाती थी। अब प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि बीमा कंपनियों को इससे हटा दिया जाएगा और प्रदेश सरकार खुद ही ये सहायता धनराशि किसानों को सीधे देगी। तमाम प्रस्तावों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें मृतक के परिजनों की मौत होने पर भी उनके किसानों को ये 5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं जो विकलांग यानी दिव्यांग होंगे, उनको भी 50 यानी 2.5 लाख रुपया सहायता दी जाएगी। और जो किसान गरीब हैं, उनके पास खेती नहीं है, दूसरे की खेती पर अपना कृषि करते हैं, बटाई पर करते हैं, अगर उनकी मौत होती है, जिला अधिकारी जांच करवाएगा और जांच करवाने के बाद 5 लाख रुपए सहायता जो है किसान को दी जाएगी, चाहे उसके पास खेत हो या ना हो, यानी वो किसानी करता हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ से अधिक किसानों को ये बड़ी सौगात प्रदेश सरकार देने जा रही है, जिसके लिए खाका खींचा जा चुका है, तमाम प्रस्तावों पे और बदलावों पे सहमति बन गई है। इसके बाद समीक्षा के बाद इसको आने वाले दिनों में कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। ये प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो किसानों को ये सहायता मिलने लगेगी। निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है प्रदेश सरकार का, क्योंकि किसान डॉक्यूमेंट लेके दफ्तरों में दौड़ा करते थे और बीमा कंपनियां उनको टरकाया करती थी। अब इस दायरे में 18 साल से 70 साल के लोगों को शामिल किया गया है, यानी कि अगर युवा है और वो बालिग है, किसानी खेती से जुड़ा हुआ है काम से, तो उसको भी ये सहायता दी जाएगी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए एक बड़ी सौगात। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सीएम कृषक कल्याण योजना जल्द लागू होने की भी उम्मीद।